जनपद कानपुर देहात के बैरी सवाई गांव के निवासी रजनीश शुक्ला का बीते बुधवार को बीमारी के चलते निधन हो गया है। बता दें कि रजनीश शुक्ला बीएसएफ में तैनात थे। हाल ही में दिसंबर में छुट्टी लेकर वह घर आए थे। सैनिक के निधन की खबर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी कोई भी आला अधिकारी सैनिक के घर शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं पहुंचा। आज सुबह जब एसडीएम राम शिरोमणि मृतक के घर पहुंचे तो मृतक के परिजनों और गांव के लोगों ने अपनी मांगे रखी। आला अधिकारियों द्वारा उनकी मांगे नहीं सुनी गईं, जिसके बाद परिजन और गांव के लोग बैरी तिराहे पर मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। मैं रामू बाबा, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। हमारे बीच का साथी था रजनीश शुक्ला, जो बीएसएफ में था। उनके पिताजी भी बीएसएफ से रिटायरमेंट हैं। उनकी कल किसी नार्मल बीमारी चलते डेथ हो गई। मैंने सक्षम अधिकारियों को तत्काल सूचना दी, एसडीएम महोदय को दी। कोई मौके पर आज तक नहीं आया। 10 बजे एसडीएम महोदय आए। हमने उनसे पूछा, हमने कहा साहब इनको जो जनरल सैनिक को सम्मान भी मिलता है, उसकी प्रतिमा लगाई जाती है, उसके नाम पे पार्क बनता है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उसके परिवार को मेंबर को नौकरी दी जाती है, तो आप हमें अगर ये आश्वासन दें। एसडीएम साहब ने उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगाया कि तुम यहाँ राजनीति कर रहे हो। हमारी ये मांगे क्या गलत थी? जो हमने मांगे मांगी थी इनसे, इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया तुम राजनीति कर रहे हो, मेरी मांगे नहीं मानी। तो हम लोग, उनके परिवार के लोग, सबको लेके मैं धरने बैठा हूँ। मेरी मांगे अगर मानी जाएंगी तो मैं धरने से उठ जाऊंगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।